रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम के टी20 चैंपियन बनने पर लोकसभा और राज्यसभा में टीम इंडिया को बधाई दी गई है। लोकसभा में टी20 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत पर सोमवार को भारतीय टीम को बधाई दी और भविष्य के मुकाबले के लिए शुभकामनाएं भी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की यह विजय युवाओं और सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। भारत ने बारबाडोस के ब्रिज टाउन में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर अपना दूसरा टी20 विश्व खिताब जीता था। साल 2007 के बाद भारतीय टीम का यह पहला टी20 खिताब है। ओम बिरला ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि माननीय सदस्य, मुझे आपके साथ ये सूचना साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून को क्रिकेट टी20 विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की और पूरे देश में ऊर्जा और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से सभी खिलाड़ियों और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम और कप्तान रोहित शर्मा को बधाई देता हूँ। सदन क्रिकेट टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। इस पर सदस्यों ने थपथपा कर भारतीय टीम की सराहना की। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में टी20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निस्संदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। माननीय सदस्य,